हे गाइस, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। देखिए 15,000 के अंदर में कौन सा 4G एंड कौन सा 5G स्मार्टफोन इस टाइम में बेस्ट है, वही स्मार्टफोन आपको रिकमेंड करूंगा। और वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे कौन से स्मार्टफोन में बेस्ट कैमरा मिलेगा, कहां पर आपको बेस्ट गेमिंग मिलेगा, कौन सा स्मार्टफोन लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट होगा, ओपन पार्ट में बात करेंगे। इसलिए ओपन पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना, जहां पर क्लियर हो जाएगा कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा। वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है स्वरूप और आप देखिए टेक सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपके लिए एक लिस्ट रेडी किया हूँ, उस लिस्ट के 5 नंबर पे सैमसंग की तरफ से 2 स्मार्टफोन आपको रिकमेंड करूंगा, सैमसंग गैलेक्सी A23 5G एंड सैमसंग गैलेक्सी M32 4G। अगर आपको सैमसंग की तरफ से 5G स्मार्टफोन बाय करना है तो A23 5G को देख सकते हैं, और 4G स्मार्टफोन बाय करना है तो M32 4G को देख सकते हैं। 4G की बात करते हैं तो इसका 4GB एंड 64GB का प्राइस है 12,000 एंड इस प्राइस में सैमसंग की तरफ से बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। इस फोन का कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस एंड बैटरी सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा। 12,000 रुपीज के अंदर में बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको 5G स्मार्टफोन बाय करना है तो A23 5G का प्राइस है 4GB एंड 120GB का प्राइस है 15,000। और फीचर्स की बात करते हैं, इस फोन का डिस्प्ले उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, 6.6 इंच का HD प्लस TFT डिस्प्ले मिल जाएगा और जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। डिस्प्ले आपको उतना बढ़िया नहीं मिलेगा, बट इस फोन का चिपसेट आपको बढ़िया मिल जाएगा। यहां पर स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट मिलेगा, जहां पर आप गेम प्ले कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी चिपसेट है। एंड फोन की बैक साइड में 50MP का टिपिकल कैमरा सेटअप एंड 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा उतना बढ़िया नहीं होगा, बैक कैमरा क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाएगा। और यहां पर 5000 यूएच का बैटरी एंड जहां पर आपको 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। तो 15,000 रुपीज के अंदर में अगर आपको सैमसंग का 5G स्मार्टफोन बाय करना है तो A23 5G को आप देख सकते हैं, अच्छा स्मार्टफोन है। लिस्ट के 4 नंबर पे है IQ Z6 5G। इस फोन का 4GB एंड 120GB का प्राइस है 14,000 रुपीज एंड इस प्राइस में IQ की तरफ से बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। तो चलिए फीचर्स का बात कर लेते हैं। यहाँ पर 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा एंड जहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी नो डाउट आपको बढ़िया मिलेगा, बट यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगा जो काफी ओल्ड डिजाइन है। एंड यहां पर 50MP का टिपिकल कैमरा सेटअप मिलेगा एंड 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलेगा, सेल्फी कैमरा आपको बढ़िया मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात है इसका प्रोसेसर, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट मिल जाएगा जो एक 5G चिपसेट है और इसका आंतोदु स्कोर 4 लाख के ऊपर देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस आपको टॉप लेवल का मिलेगा एंड 5000 mAh का बैटरी एंड जहाँ पर 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन बाय करना है तो इसको आप देख सकते हैं, गेमिंग यहाँ पर आपको टॉप लेवल का मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेते हैं। लिस्ट के 3 नंबर पे है Realme 9 5G। इस फोन का 4GB एंड 64GB का प्राइस है 16,000, बट ऑफर में ये स्मार्टफोन आपको 15,000 रुपीज में मिल जाएगा। इस फोन का खास बात है इसका परफॉर्मेंस, यहाँ पर डायमेंसिटी 810 का एक 5G चिपसेट मिलेगा जहाँ पर आप हाई क्वालिटी गेम खेल सकते हैं, बहुत ही बड़ी चिपसेट है। और 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा एंड जहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। फोन की बैक साइड में 48MP का टिपिकल कैमरा सेटअप मिलेगा, यहाँ पर भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलेगा, 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा और यहाँ पर 5000 mAh का बैटरी एंड जहाँ पर 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो 15,000 रुपीज के अंदर में रियलमी की तरफ से बढ़िया स्मार्टफोन है। और देखिए कौन सा स्मार्टफोन का कैमरा आपको बेहतर मिलेगा, वीडियो के आगे आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। गाइस, वीडियो अगर आपके लिए जरा सी यूजफुल हो रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को ठोक देना, नोटिस बेल को ऑल क्लिक करना, भाई को प्लीज सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लिस्ट के दूसरे नंबर पे आपको 2 स्मार्टफोन रिकमेंड करूंगा, दोनों ही पोको की तरफ से है, पोको M4 Pro 4G एंड पोको M4 Pro 5G। देखिए अगर आप 4G स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं तो 4G का 6GB एंड 64GB का प्राइस है 13,000 रुपीज एंड इस प्राइस में इस फोन में आपको भर भर के फीचर्स मिलेगा। अगर आपको 5G स्मार्टफोन बाय करना है तो पोको M4 5G को देख सकते हैं। इस फोन का 4GB एंड 64GB का प्राइस है 15,000 रुपीज। इस फोन का सबसे खास बात है यहाँ पर डायमेंसिटी 810 का एक 5G चिपसेट मिल जाएगा एंड जिसका परफॉर्मेंस आपको नो डाउट आपको बढ़िया मिलेगा। एंड यहाँ पर 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा एंड जहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। फोन की बैक साइड में 50MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, 50MP का मेन कैमरा एंड 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा
एंड 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा और यहाँ पर 5000 mAh का बैटरी एंड जहाँ पर 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। तो 15,000 rupees के अंदर में पोको की तरफ से 4G एंड 5G दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं। लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे है मोटो G52 4G। ये स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड इस फोन में आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाएगा। पहले तो इसका डिजाइन, तो इस फोन में आपको एक प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलेगा एंड स्मार्टफोन बहुत ही स्लिम है, हल्का स्मार्टफोन है एंड डिजाइन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर 6.6 इंच का फुल HD+ PoLED डिस्प्ले मिलेगा एंड जहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। एंड फोन की बैक साइड में 15 MP का TPL कैमरा सेटअप एंड 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा एंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 का एक 4G चिपसेट मिल जाएगा जिसका परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलेगा। तो इस फोन को आप देख सकते हैं मोटोरोला की तरफ से बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। इस फोन का 4GB एंड 64GB का प्राइस है 14,500 rupees। तो गाइस ये था सभी स्मार्टफोन का फीचर्स। अभी बात करेंगे मेरे ओपिनियन के बारे में। ये ओपिनियन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, इसलिए ध्यान से सुनना। देखिए, अगर आपको कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, मतलब स्मार्टफोन में कैमरा बेस्ट चाहिए, तो आपको दो स्मार्टफोन रिकमेंड करूंगा, सैमसंग गैलेक्सी M32 4G। अगर आपको 5G स्मार्टफोन के अंदर बेस्ट कैमरा चाहिए तो आप पोको M4 प्रो 5G को देख सकते हैं। ये दोनों स्मार्टफोन का कैमरा क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगा। अगर आपको स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए तो आप IQ Z6 को देख सकते हैं, वहाँ परफॉर्मेंस बेहतर मिल जाएगा। Realme 9 5G, Poco M4 Pro 5G, ये दोनों स्मार्टफोन का भी परफॉर्मेंस आपको बेहतर मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं सभी स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से बेस्ट है और मैं अपने हिसाब से रैंकिंग कर दिया हूँ, आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। गाइस मैं स्मार्टफोन सर्च करके आपको हेल्प किया, आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को प्लीज़ हेल्प करना, सपोर्ट करना, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। फिर से मुलाकात होगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।